के समान बच्चा होता है और ऐसे बच्चे को उफनती नदी में यशोदा माता तक पहुंचाया गया। और हम सब जानते हैं कि यशोदा माँ ने जो लालन पालन किया, माता देवकी ने जन्म दिया, लेकिन उस जन्म दिए बालक का सच्चे अर्थों में पालन पोषण हुआ तो गौ माता के माध्यम से हुआ। इसी कारण से हम सब उनको गोपाल कृष्ण करके भी बुलाते हैं, जिनके जीते जी माँ के दूध के समान पालन पोषण करने में अगर कोई समकक्ष है तो गौ माता ही है, गौ माता से बढ़कर कौन है। इसीलिए हमारे यहाँ सारे लोगों की मानसिकता रहती कि वो सब देवी देवता पूजे, लेकिन अगर देवी देवता पूजना और 33 करोड़ देवी देवता पूजना तो गौ माता को पूज लो, अपने आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजन हो जाती है, उसके बढ़कर कोई कुछ नहीं हो सकता। और ये दुनिया के अंदर केवल एक में भारत और भारत से संबंधित जो बाद में अलग हो गए, लेकिन अपने उस सनातन संस्कृति के अखंड भारत में ही ये वर्तमान की देशी गौ माताओं का स्वरूप दिखाई देता है। और गौ माता भी कितने प्रकार की, कोई कल्पना कर सकता है? देसी गौ माताओं का प्रकार जो जिस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं, माँ ने उस रूप का धारण कर लिया स्वरूप अपना। कहा गिर गौ माता अगर हमको मालूम है गुजरात में मिलती है, जिसके नीचे थन के अंदर दूध इतना समाहित होता है कि कोई कल्पना नहीं करता, 20-20 लीटर दूध से ज्यादा गिर माता गौ जो अपना दूध देती है। और नागौरी माताओं से निकलने वाले बछड़ों की पहचान हमारे खेत के अंदर हल के ऊपर हाँकने में ध्यान में आता है। बाहर की गौ माताएं अपना अलग रूप ले लेती है। और थार साहिवाल जातियां अगर देखे तो गौ माताओं का, देसी गौ माताओं का, और अपने अपने जाने अनजाने ब्राजील दूध के मामले में माना जाता कि दूध की राजधानी है, लेकिन अगर ये देसी गायों का इतिहास देखे तो ब्राजील में अगर गायों का इतिहास, अगर उनने दूध के माध्यम से दूध क्रांति की है तो वह अपनी गिर गायों के माध्यम से की। हमारा माल दूसरा खाकर आनंद कर रहा है और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ये इस बात का कहीं मूल्यांकन नहीं हुआ, उसका दुष्परिणाम हम सब देख रहे हैं। ये जाने अनजाने जो एक हमसे गलती हुई, जर्सी गाय लाओ और दूसरे प्रकार की गाय लाओ, हमारा वंश बिगाड़ने का पाप हमसे जो हुआ है, ये पाप की कीमत बहुत लंबे समय तक भारत ने चुकाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ जिनने ये धारा बदलने का प्रयास किया है, उनने इस बात के लिए प्रेरित किया है। भारत सरकार के मंत्रीगण यहाँ बैठे, पूर्व मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं, जिनके माध्यम से वर्तमान की धारा में हमारी देसी गौशालाओं का जो महत्व बढ़ा है, और उससे भी सोने का सुहागा तो आपने कर दिया। इस नगर निगम ने, महाराज ने कदम बढ़ाया, नगर निगम के माध्यम से मैं जानता हूं कि सरकार की व्यवस्था से अगर गौशाला चलती तो सरकारी गौशालाओं में क्या होता उल्लेख करने की जरूरत नहीं। यद्यपि अब मेरे पास जवाबदारी थोड़ी दूसरे प्रकार की है, लेकिन जो यथार्थ है उसको ना नहीं कर सकते, लेकिन समाज जब साथ में खड़ा हो जाता है और संत का आशीर्वाद मिल जाता है तो ये स्वर्ग समान गौशाला वाकई हमारे लिए प्रदेश की नहीं देश का उदाहरण बनती है। जोरदार ताली बजा करके एक इतने बड़े आयोजन का हम सब साक्षर मनाए। और इसी कारण से मैं ये मान के चलता हूं कि हम सब, मैं मान के चलता हूं, अभी यार नामों के संबोधन में सिंधिया जी को भी इनका नाम बोला है, लेकिन गोपाल तो हम सब है। जिनके घर में गाय वो सब गोपाल है, मेरे घर भी गाय है और जिन जिन के घर गाय है, और उम्मीद करेंगे कि हर के हर घर में गाय होना चाहिए। जब हमारी राजमाता जी ने आपने बताया कि महल के अंदर, मैंने महाराज से पूछा कि अभी भी 100 से ज्यादा गाय उनके अपने महल के अंदर है, हम में से भी कई सारे परिवारों में। तो ये जो गोपाल का आनंद है उसके आनंद की बात ही क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के अवसर पर महाराज जी आपने कदम बढ़ाया और आपने कहा कि ये थोड़ा साथ मिलेगा तो प्रदेश से ये बहुत बड़ा कष्ट है, निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन भी लेंगे। और आज के अवसर पर ये जो पूरा नया प्रोजेक्ट बन गया है, प्रदेश के कई सारे नगर निगम को भी यहाँ देखने भेजेंगे, अगर वो यहाँ से सीख सकते तो ये बड़ा समाधान मिलेगा। और इसी के साथ साथ जब सबका योगदान मिला तो मैं कैसे बच सकता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हमारे लिए मुझे तो लगता है कि सत्य अर्थों में ऋषि गालों की नगरी हमारी ग्वालियर हो सकती है, लेकिन ये गाय माता के नाम पर भी तो ग्वालियर हो सकता है, इसमें क्या अंतर है। निश्चित रूप से उन्हीं के नाम में माना जाए ये मैं मान के चलता हूँ। और हम सब आज के अवसर पर इस पूरे अच्छे कार्यक्रम के साक्षी बने, और 5 करोड़ की निधि से मैं इस गौशाला के लिए भी अपनी पुष्पांजलि, थोड़ा सा लघु निधि देने का प्रयास करता हूं कि आप इस गौशाला के माध्यम से जो जो आप करें
मेरे अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गो माता की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं स्वामी सत्यदेव जी और हरिओम महाराज जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे गाय के गोबर से निर्मित गौ कृष्ण की सुंदर प्रतिमूर्ति और दीपक देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करें।